हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी ब्रेन। मैं हूं विदुषी और आज हम करेंगे फ्लावर का पार्ट टू सेलिना पब्लिशर्स का फ्लावर चैप्टर एंड क्लास। आई एम डूइंग इट फ्रॉम क्लास 9th बुक्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट हम करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स, कैलिक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज सेपल्स। नंबर वन, number of sepals usually in a flower is 5 but sometimes it is less or even more। तो जो sepals होते हैं, जो sepals का number होता है वो mostly 5 होते हैं, मतलब usually वो 5 होते हैं, लेकिन वो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी कम भी हो सकते हैं। ये एक sepal का diagram है, इसमें 5 sepals हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। number 2, when sepals are free, polysepals। जब सेपल्स फ्री होते हैं, मतलब जब सेपल्स इस तरह जॉइन नहीं होते हैं, जब सेपल्स इस तरह फ्री होते हैं, एक दूसरे से जॉइन नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसेपल्स। तो नंबर 3, व्हेन सेपल्स आर फ्यूज दे आर नोन एज गैमोसेपल्स। जब सेपल्स इस तरह से जॉइन होते हैं, इस तरह से फ्यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैमोसेपल्स। गैमोसेपल्स की ये दो टाइप्स हैं और ये दोनों ही गैमोसेपल्स हैं। नंबर 4, व्हेन देयर आर सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स दे आर नोन एज एपिसेपल्स और एपिकैलिक्स। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। तो नंबर 4 में क्या दिया है, जब एक सेकेंड सीरीज है सेपल्स की, मतलब अगर सेपल्स कुछ इस तरह से हैं, उसके बाद यहाँ पे उसी वर्ल्ड में एक और सेपल्स की सीरीज है, उसे हम बोलते हैं एपिसेपल्स या फिर एपिकैलिक्स। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। नंबर 5, सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन बट ऑल्सो कलर। एग्जाम्पल गुलमोहर, एंड द कलर ऑफ सेपल्स ऑफ गुलमोहर इज रेड। तो सेपल्स जो होते हैं वो यूजुअली मोस्टली ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो कलर्ड भी होते हैं, जैसे कि गुलमोहर, और गुलमोहर के सेपल्स का कलर होता है रेड। नंबर 5, सेपल्स में फॉल ऑफ और प्रोसेस्ड आफ्टर द फ्लावर ओपन्स। तो जो सेपल्स हैं वो गिर जाते हैं या फिर वो रह भी सकते हैं जब फ्लावर ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो सेपल्स है आफ्टर द फ्लावर ओपन, मतलब फ्लावर जब मैच्योर नहीं होता है, जब छोटा होता है, तो फ्लावर एक बर्ड के शेप में होता है और वो खिला नहीं होते, उसके पेटल्स खिले नहीं होते हैं, तब वो एक मैच्योर्ड फ्लावर नहीं होता है। तब ये सेपल्स जो है उसे कवर करके रखते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं उस समय। लेकिन जब फ्लावर खुल जाता है, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, तो जो सेपल्स हैं वो गिर जाते हैं या फिर वो सेपल्स फ्लावर के साथ ही रहते हैं। तो सेपल्स के दो यूजेस हैं। सेपल्स बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जब बर्ड ऐसे एनक्लोज्ड होता है, जब बर्ड खिला नहीं होता है, जब फ्लावर मैच्योर्ड नहीं होता है, तब सेपल्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर द फ्लावर मैच्योर्स, अगर फ्लावर के मैच्योर होने के बाद अगर सेपल्स गिरे नहीं होते, अगर सेपल्स परसिस्ट करते हैं, तो वो सेपल्स अगर ग्रीन हुए, कलर नहीं होने चाहिए, ग्रीन हुए अगर, तो ही वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलिक्स कंप्लीट कर लिया है, सेपल्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कोरोला, आल्सो नोन एज पेटल्स। नंबर 1, जनरली सिंगल वर्ल्ड बट समटाइम्स ऑल्सो डबल वर्ल्ड। एग्जाम्पल पॉपी। तो ये जो कोरोला है वो समटाइम्स डबल वर्ल्ड होता है, जनरली सिंगल वर्ल्ड होता है, बट समटाइम्स डबल वर्ल्ड भी होता है। अगर 4 वर्ल्ड्स है तो वो 2 वर्ल्ड, ऐसे तो 1 वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो दूसरे वर्ल्ड में भी प्रेजेंट होता है, तो उससे हम वो डबल वर्ल्ड, समटाइम्स सिंगल वर्ल्ड होता है, समटाइम्स डबल वर्ल्ड होता है, और डबल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है पॉपी। नंबर 2, ऑल्सो अरेंज स्पाइरली। एग्जाम्पल वाटर लिली। तो वो ऐसे हमेशा ऐसे सर्कुलर नहीं अरेंज होता है, वो समटाइम्स इस तरह से स्पाइरली भी अरेंज होता है, तो उससे उसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। नंबर 3, और नंबर 3,
फ्री पेटल्स, पॉली पेटल्स। जब फ्लावर के फ्री पेटल्स होते हैं, मतलब जब वो इस तरह और इस तरह से फ्यूज नहीं होते हैं, इस तरह से फ्री होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते हैं, तब वो पॉली पेटल्स कहलाते हैं। तो जब पेटल्स फ्री होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉली पेटल्स, यूनाइटेड गैमेटोफिटस। जब पेटल्स इस तरह से फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड होते हैं इस तरह से, तब हम उन्हें बोलते हैं गैमेटोफिटस। तो अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। इसके हैं टू फंक्शंस, पेटल्स के टू फंक्शन हैं कि ये अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। सो जो फ्लावर्स हैं उन्हें पॉलिनेशन करना पड़ता है रिप्रोडक्ट करने के लिए, अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन पहुँचाना हो तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इंसेक्ट्स जब आते हैं तो उससे नेक्टर लेते हैं फ्लावर से, और पोलन ग्रेन्स उसमें चिपक जाता है, फिर जब वो दूसरे फ्लावर में नेक्टर लेने जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाके गिर जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन में हेल्प होता है। तो ये जो पेटल्स है वो ब्राइटली कलर्ड और बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, और जिससे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नेक्टर सक करने के लिए। तो वो नेक्टर जब सक करते हैं तो उसमें पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, तो ये उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पेटल्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। नंबर टू, ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टामेन एंड पिस्टल स्पेशली वेन फॉर्म अ ट्यूब। तो ये जो पेटल्स हैं जब वो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं तो वो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इन दोनों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो हमने बी कोरोला कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसीड करते हैं नंबर सी। पार्ट सी, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट व्हिच इज स्टामेन। स्टामेन कुछ इस तरह का दिखता है। नंबर वन, नंबर वेरी फ्रॉम फ्यू टू लार्ज। तो जो स्टामेंस है वो फ्लावर में वेरी कर सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्लावर। नंबर टू, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। नंबर टू, स्टामेन ये पूरा है, ये पूरा एक स्टामेन है, और इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्लू पार्ट, ये है एंथर, एंड ये जो है स्टेम टाइप जो एंथर को होल्ड कर रहा है इसके एक्सट्रीमिटी में, इसके टॉप में जो एंथर को होल्ड कर रहा है वो है फिलामेंट। नंबर थ्री, एंथर हैज टू लोब। एंथर इज टू लोब, मतलब ये जो एंथर है वो टू लोब है। जैसे हम देख रहे हैं ये एक एंथर है और इसमें टू लोब्स है, इसमें टू पार्ट्स है, और ईच लोब हैज टू पोलन सैक्स। हर एक लोब में दो पोलन सैक्स होते हैं, पोलन सैक्स हर एक लोब में दो सैक्स होते हैं, जिसमें एकदम माइन्यूट पोलन रहते हैं, और ये पोलन एकदम फेदरी होते हैं, और इसमें हल्का सा हेयर होता है ताकि वो जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, फ्लावर के फीमेल पार्ट्स में जो उसका फ्लावर का फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है उसमें जाके वो चिपक सके और वो रिप्रोडक्ट कर सके। पोलन सैक्स अगेंस पोलन ग्रेन्स। देखिए एंथर है, इसमें टू पोलन सैक्स है, टू एंथर है उसका टू लोब्स है, टू पार्ट्स है, हर टू पार्ट्स में टू लोब्स है, हर एक लोब्स में पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। ये है एंथर, ये है वन लोब, ये सर्कुलर पार्ट है इसका पोलन सैक, एंड ये जो ब्लैक पार्ट है ये है पोलन ग्रेन। नंबर सिक्स, व्हेन स्टैमेंस मैच्योर सैक्स बर्स्ट टू लिबरेट पोलन ग्रेन्स। तो जब एंथर पोलन ग्रेन्स लिबरेट करता है, कब लिबरेट करता है, जब जो पोलन जो एंथर है उसका पोलन, जब स्टामेन पूरा मैच्योर हो जाता है, स्टामेन एकदम मैच्योर हो जाता है, तब ये जो एंथर है इसके जो पोलन सैक्स है, एंथर के जो पोलन सैक्स है
वो बर्स्ट होते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स लिबरेट कर सके और पॉलिनेशन कर सके। पोलन ग्रेन्स आर जनरली पाउडरी मटीरियल्स मटीरियल एंड शेप्स एंड साइजेस में वेरी। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो जनरली पाउडरी मटीरियल होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस की तरह होते हैं और उसका जो शेप और साइज है वो फ्लावर पे वेरी करता है, उसके बहुत सारे शेप्स और साइजेस होते हैं। तो अब एंड्रोशियम के स्टामेंस के थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो लेट्स स्टडी दोस थ्री पार्ट्स, लेट्स प्रोसीड। तो लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोशियम ऑल्सो नोन एज स्टामेन। नंबर वन मोनोडेल्फ। नंबर वन मैंने फोर में लिखा थोड़ा भूल गई थी, पॉली एंड्रस। नंबर वन इज पॉली एंड्रस, मतलब उसमें जो स्टामेंस है वो फ्री होंगे, इस तरह से यूनाइटेड नहीं होंगे, वो पूरे फ्री होंगे। नंबर वन, उसके बाद हम ग्रुप्स पढ़ते हैं। नंबर वन पॉलीडेल्फस मोनोडेल्फस, ये जो है एक ग्रुप में, इसके स्टामेन एक ग्रुप में यूनाइटेड होते हैं फिलामेंट्स के थ्रू, और उसका एग्जांपल है हिबिस्कस आल्सो नोन एज चाइना रोज एंड कॉटन। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ग्रुप में यूनाइटेड है और ये एंकर है और ये स्टामेन। डायाडेल्फस फिलामेंट्स यूनाइटेड इन टू बंडल्स एग्जांपल बी। तो डायाडेल्फस स्टामेन डायाडेल्फस एंड्रोशियम में जो फिलामेंट्स होते हैं वो टू बंडल्स में डिवाइडेड होते हैं। उसमें से जो एक बंडल है उसमें 9 स्टामेंस होते हैं, एक बंडल में 9 स्टामेंस एंड द सेकेंड बंडल कंटेन्स 1 स्टामेन, एग्जाम्पल इज पी। नंबर 3 पॉलीडेल्फस यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स एग्जाम्पल बॉम्बैक्स। पॉलीडेल्फस में जो स्टामेंस है वो बहुत सारे ग्रुप्स में यूनाइटेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और ये हम देख सकते हैं ये बहुत सारे ग्रुप्स में यूनाइटेड है बहुत सारे ग्रुप्स में एंड एग्जांपल इज वॉम्बैट्स। सो वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोशियम, नाउ विल स्टार्ट विद गाइनोशियम। सो लेट्स प्रोसीड टू गाइनोशियम व्हिच इज आल्सो नोन एज पिस्टम। तो गाइनोशियम कंटेन्स मेनी कार्पेल्स, कार्पेल्स के 3 पार्ट होते हैं, कार्पेल बहुत सारे कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवल। लेट्स स्टार्ट विद स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स। स्टिग्मा जो है वो एक टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट है और ये सबसे ऊपर में रहता है और ये 2 और मोर लोब्स में डिवाइडेड होता है। इसकी एक फेदरी अपीयरेंस होती है, इसमें थोड़े से फेदर्स होते हैं ताकि जब पोलन आके इस पर गिरे तो पोलन उसमें चिपक जाए और ये उड़े नहीं। कवर्ड विद ग्रैन्यूलर पैपिले एक गमी सब्सटेंस होता है, स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो पोलन को चिपकने में हेल्प करता है। लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन, तो ये जो स्टिग्मा है वो पोलन के लिए एक लैंडिंग प्लेस है क्योंकि यहीं से ये जाता है स्टाइल के थ्रू और ओवरी में इसका रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 2 स्टाइल। स्टाइल एक क्यूबुलर स्टॉक है और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। तो ये जो स्टाइल है ये एक क्यूबुलर स्टॉक है, क्यूब की तरह एक स्टॉक है और ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी स्वेल एंड बसाल पोर्शन। ओवरी जो है एक कार्पेल का स्वोलन राउंडेड और बसाल पोर्शन नीचे का पोर्शन है और इन मैनी ओवरी में भी सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड इंटू सेवरल चैम्बर्स। जो ओवरी है वो सिंगल चैम्बर में डिवाइडेड होगा या फिर बहुत सारे इस तरह से चैम्बर में डिवाइडेड होगा और इसी चैम्बर्स में राउंडेड ओव्यूल्स होते हैं, राउंडेड बॉडीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ये है ओव्यूल्स और प्लेसेंटा अटैचेस द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। इसके बीच में एक फ्लूइड होता है
जिसे हम बोलते हैं प्लैसेंटा, और ये अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी की वॉल से। ये हमने गाइनोशियम कंप्लीट किया है, सो लेट्स प्रोसीड। सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, नंबर वन, पहले सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल में पहले डिस्कस किया था हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स जो होते हैं उसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट, मतलब मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें अलग पिस्टिल होता है, अलग स्टैमिन होता है, उन दोनों के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। वो भी दो टाइप के होते हैं, जो है मोनोशियस, जिसमें बोथ ग्रो ऑन द सेम फ्लावर, जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अलग अलग फ्लावर में रहेंगे, लेकिन वो एक ही प्लांट में उगेंगे। लाइक अगर ये है मोनोशियस प्लांट, तो यहाँ पे उगेंगे एक फ्लावर है और ये मेल है, और ये मेल है, और अगर ये फ्लावर है तो ये फीमेल है। बोथ ग्रो ऑन द सेम प्लांट, मेल फीमेल फ्लावर्स बोथ ग्रो ऑन द सेम प्लांट। उसके बाद डायोशियस में दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, जैसे अगर ये एक प्लांट है तो इसमें खाली फीमेल उगेंगे, इसमें खाली फीमेल फ्लावर्स उगेंगे, ये है फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट। और अगर और उसके बाद एक में फीमेल तो एक में मेल, और इसमें खाली मेल उगेंगे, दोनों में ये फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, एक में फीमेल एक में मेल। लेट्स स्टडी नाउ इन्फ्लोरेसेंस। इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये फ्लावर जो है वो फ्लावर, ये इन्फ्लोरेसेंस मतलब है फ्लावर का अरेंजमेंट, प्लांट में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये है टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वहाँ बुक में और दो टाइप दिए हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, एक ये जिसमें जो फ्लावर्स है वो बीच में से, लीव्स के बीच में से ग्रो करते हैं, और एक ये जिसमें फ्लावर्स लीव्स के टिप में ग्रो करते हैं। यहाँ पे फ्लावर होगा ये जिसमें स्टेम के टिप में ग्रो करते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बोगेनविलिया फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका आंसर होगा लार्ज कलरफुल ब्रांच्स। नंबर टू, अ फ्लावर इज सेट टू बी कंप्लीट व्हेन इट हैज ऑल फोर वॉल्स। नंबर थ्री, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द फ्रूट इज, आंसर इज ओवरी। पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव राइज टू द सीड इज, आंसर इज ओव्यूल। द एसेंशियल वर्ड्स ऑफ फ्लावर आर, आंसर इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के मैच द फॉलोइंग है, तो पॉलीडेल्फस होगा बॉम्बैक्स के साथ, पोलन ग्रेन्स होगा पोलन सैक के साथ, फ्री पेटल्स होंगे पॉली पेटल्स के साथ, नॉन एसेंशियल होंगे कैलिक्स एंड कोरोला, स्वीट फ्रेग्रेंट फ्लूइड विल बी नेक्टर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, राइटिंग क्वेश्चंस है, तो मैं आपको एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का वीडियो क्वेश्चन लिख के आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो इसी के साथ हमने इसका एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट कर लिया है, और एक वीडियो में मैं आपको फ्लावर का डाइसेक्शन भी दिखाऊंगी अगर मुझे फ्लावर मिलता है तो। टिल देन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो पुट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।